जानिए आजमगढ़ में अब किसकी जीत तय मानी जा रही है, भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। ये कांटे की जंग आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक तरफ तो भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के सपोर्ट में भोजपुरी का अब हर बड़ा और छोटा सितारा आ गया है, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बयानबाजियां कम नहीं हो रही हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां और प्रचार कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी भी जमकर रैली कर रही है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव की पत्नी को पूनम सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी रैली करते देखा गया, और वहाँ भी उन्होंने अपने पति के लिए वोट मांगे। और दूसरी तरफ निरहुआ है कि वो लगातार आजमगढ़ की जनता के दिलों में उतरते जा रहे हैं, लगातार रोड शो और उनकी समस्याओं से वाकिफ हो रहे हैं। निरहुआ का कहना है कि अखिलेश यादव के पिता का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद भी आजमगढ़ में अभी तक वो सुविधाएं नहीं आई हैं जिन्हें आना चाहिए। आजमगढ़ अभी भी उन सुविधाओं से वंचित है जिन सुविधाओं से उसे लैस होना चाहिए था। आजमगढ़ के हर छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर निरहुआ उसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं। निरहुआ जानते हैं कि अगर अब उन्हें ये जंग जीतनी है तो अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर और कांटे की टक्कर देनी होगी। वैसे अखिलेश यादव जैसे मजे हुए खिलाड़ी को हराने के लिए निरहुआ को एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। निरहुआ यहाँ तक कि भोजपुरी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकारों को उतार रहे हैं, गांव-गांव प्रचार करवा रहे हैं और उनसे वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, और उनके सारे जितने कलाकार हैं, जितने साथी हैं, सभी उनके साथ हैं। अब बात आ रही है कि जमीनी तौर पर कौन सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, तो आपको बता दें कि यहाँ कोई और नहीं, दिनेश लाल यादव निरहुआ मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से गांव-गांव और लगातार रोड शो कर आजमगढ़ की जनता में वो दिल में उतर रहे हैं, उसे देखकर ये लग रहा है कि अखिलेश यादव को हरा पाना अब निरहुआ के लिए कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं होने वाला है। कहीं न कहीं आजमगढ़ की जनता ये जान रही है कि निरहुआ तो बस एक नाम है, यहाँ खड़ी मोदी सरकार है। अगर वो निरहुआ को जिताएंगे तो यहाँ विकास होगा, और विकास के मामले में देश का चार्जशीट देखकर लोग निरहुआ के पक्ष में होते जा रहे हैं। आजमगढ़ की जनता को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह मोदी सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास किया है, उसी तरह वो आजमगढ़ में भी विकास करेगी, विकास करना चाहता है और विकास के राह में देश के साथ बढ़ना चाहता है। कहीं न कहीं निरहुआ को अपना वोट देने पर मजबूर हो जाएगी। इससे साफ जाहिर है कि आने वाला चुनाव निरहुआ का ही होगा, यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि अखिलेश और निरहुआ में जीतेगा कौन। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।